विकास काम बाधक साजिता कोरोना धीरे धीरे स्थित सुधार आसवा पर एवं विभिन्न प्रकल्प कम पुणी आरंभ हो यार भितर गोपालपुर इको टूरिज्म प्रकल्प अन्यतम बर्तमान यार स्थित कौन रही है और पूरण हो लक्ष्य आसत देखा गोपालपुर पर्यटन स्थल विकास इको टूरिज्म परिकल्पना पर्यटन स्थल विकास और पर्यटकों आकृष्ट करने गोपालपुर ठारे इको टूरिज्म प्रकल्प स्थापन निर्माण कार्य चली सात एकर जगार इको टूरिज्म निर्माण कार्य द्रुत बेगरे चली किंतु गत देढ़ वर्ष है प्रकल्प कार्य सरीना भुवनेश्वर एक संस्था यार निर्माण कम नहीं बेले खूब शीघ्र प्रकल्प कार्य शेष करने को साधारण दाबी होई पाखापाखि 12 कोटी टंका अटकल व्यय में यह प्रकल्प निर्माण होगा लक्ष्य रखी कहु टूरिज्म बहुत बाहर आसने कौटे कौन से जापार ना इको टूरिज्म मध्यम सिस्टम रे आम समस्त को गंजाम कला संस्कृति ऐतिह जगह जब रही सारा पृथ्वी विख्यात रही सब बुले कि लोक टूरिज्म सेक्टर आट्राक्शन करने गोपालपुर इकोनोमिक्स डेवलप करने इको टूरिज्म मुख्य उद्देश्य यहाँ आम कला सांस्कृतिक ऐक्य को लोकलोचन को आने प्रसार प्रदान करने ओडिशा सरकार एक पदनीय स्वागत योग्य घटना अति शीघ्र है बहुत लोक उपकृत है ओडिशार पर्यटन स्थल विकास सरकार पदक्षेप को साधारण प्रशंसा कर विशेषकर गोपालपुर पर्यटन स्थल विकास पर्यटकों आकृष्ट करने लक्ष्य रखी पर्यटकों राज्यर कला साहित्य ऐतिह संस्कृति संपर्क में अवगत कराइबा इको टूरिज्म मुख्य लक्ष्य बोले कहते विडीए अध्यक्ष खूब शीघ्र प्रकल्प कार्य संपूर्ण होगा यह कार्यक्षम करने लक्ष्य रखि विभाग अधिकारी अलमोस्ट जो काम से तार एंडिंग फेज रे अच्छी तो आगामी किसी दिन मध्य पूरा काम है कि सेटा वर्किंग आरंभ हो जेतेक हमर गोपाल भल गोटे टूरिस्ट अट्रैक्शन डेस्टिनेशन अच्छी ताको केमेती और बढ़ाइबा लोकों पर्यंत केमेती पहुंचाइबा ता संगे भल कि फैसिलिटीज जो हमर टूरिस्ट अछंती तांको देबा एवं एरिया रे डेवलपमेंट ये मुख्य उद्देश्य अछि कला साहित्य ऐतिह संस्कृति रो परिचय को परिव्याप्त करिया पई इको टूरिज्म रो परिकल्पना करा हिची निर्माण कार्य एवं शेष पर्यायर पहुंचा बेले कार्यक्षम केव ताऊपर रही समस्त नजर कैमेरा पर्सन आलोक बेहरांश सुरजित कुमार पंडा न्यूज 7 ब्रह्मपुर।